नमस्कार दोस्तों, मिशन 2024 के लिए समाजवादी पार्टी की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। पार्टी पूरी प्लानिंग कर रही है कि कैसे इस बार चुनाव में अपने सपोर्टर्स को वोटर बनाया जा सके। इसके लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बैठक भी की है, जिसमें उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ 2024 के लिए पूरा रोड मैप तैयार किया है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर अखिलेश यादव खास फोकस कर रहे हैं। सपा की इस बैठक में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर चर्चा हो रही है। अखिलेश का पूरा जोर वोटर लिस्ट की मॉनिटरिंग पर ही रहेगा, जिससे चुनाव के दौरान किसी तरह की कोई भी दिक्कत सामने न आए। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में भाजपा के जीत के क्रम को रोकने की रणनीति भी बनाई जा रही है। इसके लिए सपा जातीय जनगणना को हथियार बनाकर चुनाव में उतर सकती है। असल में दोस्तों, विधानसभा चुनाव 2022 और नगर निकाय के चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर आरोप लगाए गए थे। अब इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में फिर से वोटर लिस्ट को लेकर दिक्कत न आए, इसलिए अखिलेश यादव बैठक के जरिए वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन करके ध्यान दे रहे हैं कि ऐसी परेशानी फिर से ना आए। पिछले मीटिंग में अखिलेश ने कार्यकर्ताओं से खास करके ये कहा था कि समाजवादी पार्टी के गढ़ वाली सीटों पर फिर से जीत हासिल की जाएगी, जिसमें अखिलेश की करीब 13 सीटों पर खास फोकस है। वहीं अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हर गांव, हर घर, हर जिले तक पहुंचकर सपा के सपोर्टर्स को वोटर में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। सपा कार्यालय में सेक्टर प्रभारियों की बैठक हुई थी और आज लोकसभा प्रभारियों की बैठक चल रही है। लखनऊ में सपा की इस बैठक में अखिलेश यादव, मुख्य सचेतक मनोज पांडे, काजल निषाद, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा और राम अचन राजभर, प्रतापगढ़ के लोकसभा प्रभारी इंद्रजीत सरोज, अयोध्या के पूर्व मंत्री पवन पांडे और सपा के सभी बड़े पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे। अब पूरी मजबूती के साथ सपा अपने सपोर्टर्स को वोटर बनाने में लगी हुई है। इस खबर में इतना ही। ये खबर आप भारत एक सोच पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।